जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसर। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, आई वॉन्ट स्टार्ट लॉन्ड्री बिजनेस इन अवर एरिया, सो प्लीज नीड हेल्प, प्लीज सजेस्ट मी विच टाइप ऑफ लिक्विड्स रिक्वायर फॉर स्टेन क्लीनिंग। वी परचेस्ड LG स्टैगर मशीन, वन स्पॉटिंग मशीन, सो प्लीज सजेस्ट मी। तो इनको बिजनेस शुरू करना है, अच्छी बात है, इनको केमिकल की रिक्वायरमेंट है, अच्छी बात है, और इन्होंने मशीनें भी ले ली है, ये भी अच्छी बात है। बट अभी ये R&D कर रहे होंगे ना, तो मशीनें लेने से पहले ही इन्होंने R&D करना था, ये मशीनें मेरे काम की है नहीं काम की है, मैं कौन सी कंसेप्ट में बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, कौन सा कंसेप्ट मुझे चाहिए, लॉन्ड्रोमेट करना है, डोमेस्टिक लॉन्ड्री करना है, इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री करना है, ड्राई क्लीनिंग करना है, या मिक्स सारा कुछ करना है, ये इनका कंसेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। और ये कंसेप्ट क्लियर कब होता है, जब आप ये काम सीखते हो, कहीं तो भी ट्रेनिंग लेते हो आप इस काम की। मैं ट्रेनिंग देता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है, इंडिया में बहुत सारे लोग होंगे जो ये काम सिखाते होंगे, तो कहीं से भी ये काम सीख लो, पहले तो बेसिक सीखो। बेसिक में आपको पता चलेगा, कहीं पे लॉन्ड्री में जाओगे 8-10 दिन तो कौन सी मशीनों की सच में ज़रूरत है, कौन से केमिकल की सच में ज़रूरत है। बस पैसा है और मशीनें ऑनलाइन मिल जाती है, कहीं से नंबर मिल जाता है, वेबसाइट मिल जाती है और वहाँ से ऑर्डर करो, मशीनें आ जाती है। एक्चुअल में प्रॉब्लम कब शुरू होता है ना, जब हम बिजनेस करने जाते हैं, कोई एक कपड़ा हम हाथ में लेते हैं और डैमेज हो जाता है ना, तब पसीने छूटने लग जाते हैं, धरती खिसक जाती है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। और सबसे पहले अगर ये बिजनेस करना है ना, तो एज अ कस्टमर बनो, पहले आप कस्टमर बनो, किसी भी बिजनेस शुरू करना है ना आपको, तो आप उसके पहले कस्टमर बनो, अच्छे खासे कस्टमर बनो, बहुत सारा पैसा इसमें खर्च करो, कस्टमर बनो, तब जाके आपको 2-4% चीज़ें समझ में आएंगी, और उसके बाद में उसका बेसिक सीखो, कैसे ये बिजनेस वर्क करता है, कैसे काम किया जाना चाहिए, और फिर उसके बाद में मशीनें लो। अभी इनके लिए मेरे पास सजेशन कुछ भी नहीं है, मेरे पास स्टैग मशीन नहीं है तो मैं इससे रिलेटेड क्या गाइड कर सकता हूँ इनको, और मेरे पास स्पॉटिंग मशीन भी नहीं है तो स्पॉटिंग मशीन में क्या डलता है, फलाना डलता है, ढिमकाना डलता है, वो मेरे को आइडिया नहीं है, तो मैं कैसे इनको सजेस्ट करूँ या कैसे गाइड करूँ। हाँ, बट मैं 20 सालों से मेरा ये बिजनेस कर रहा हूँ, और जो मेरे पास मशीन है उसमें से हम 100% अच्छे से काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, और काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट मैंने इस बिज़नेस में किया है। बट अननेसेसरी मशीनें नहीं लेनी है, मैंने नहीं ली है। मेरे पास जो ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं ना, तो कोई होते है, मतलब थोड़ा सा ट्रेनिंग जब प्रॉब्लम आती है तब ट्रेनिंग लेते हैं, बट उससे पहले इन्होंने मशीन परचेस कर ली होती है, किसी ने MTO ड्राई क्लीनिंग का मशीन परचेस किया, हाइड्रोकार्बन ड्राई क्लीनिंग का मशीन परचेस कर लिया, किसी ने ड्रायर टंबल ड्रायर परचेस किया, मतलब उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, बट पैसा होता है, चलो जब तक मशीनें आ जाएंगी बाद में हमारा काम शुरू हो जाएगा। बट ये बहुत ही बड़ी गलती है दोस्तों, पहले कार लेनी होती है ना, तो पहले कार सीखना पड़ता है। तो ये सारी कुछ बातें हैं, मेरे से ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम तो छोटा सा काम हमारा कर रहे हैं, छोटा सा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, बट मेरे पास इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ भी नहीं है सर। आप पहले ये काम सीखिए, मैं कोई भी सजेशन नहीं दूंगा कि ये केमिकल यूज़ कर लो, वो केमिकल यूज़ करो, और पर्सनली तो मैं किसी को भी गाइड नहीं करूंगा। हाँ, मेरी 1500-1550 वीडियोज़ है यूट्यूब पे, देखिए जितना समझ में आता है उतना आप काम कर सकते हैं, और अगर ये सारा कुछ इतना खर्चा तो आपने कर ही लिया है, अगर ट्रेनिंग के लिए भी आना है आपको तो यहाँ पे मेरा नंबर है, कम से कम 100-200 वीडियोज़ देखिए, ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए, तब जाके आप अपना काम डैमेज फ्री कर पाएंगे, और उसके बाद में ही आपको मैं पर्सनली गाइड कर पाऊँगा लाइफ टाइम के लिए। तो बस दोस्तों, किसी को अच्छी लगी होगी ये वीडियो, किसी को बुरी भी लग सकती है, और कुछ लोग नए बिजनेस में आना चाहते हो तो ये सारी बातें ध्यान में रखो, क्योंकि एक बार हमारा एटमॉस्फेयर बन जाता है ना, लोगों को पता लग जाता है कि हमने बिजनेस करने की सोची है, मशीनें लाई है, और उसके बाद में पता चलता है कि इनको कुछ काम ही नहीं आता है, तो वो एकदम एम्बैरेसिंग ये होता है दोस्तों, जिसमें मुझे आइडिया नहीं ना वो काम मैं कभी नहीं करूँगा। तो बस दोस्तों, ये वीडियो यही तक थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक
हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।